कीर्ति, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे झटपट और फटाफट बनने वाली टेस्टी और हेल्दी अचार स्टाइल चावली आलू की सब्जी, या बोल लो महाराष्ट्र स्टाइल चावली की उसल। चावली को ब्लैक आइड बीन्स के नाम से भी जानते हैं। चावली की उसल बनाने में बहुत ही आसान है, लेकिन इसका स्वाद लाजवाब है। चावली में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट के लिए फायदेमंद है। यह उन उसलों में से एक है जिसे मैं अक्सर बनाती हूँ, क्योंकि यह जल्दी बन भी जाती है और मेरे घर में सबको बेहद पसंद है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चावली की उसल बनाने के लिए चावली का कलर सफेद हो और उसके बीच में काले रंग का दाग हो, वैसी चावली हमें यूज करनी है। यूज करने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि चावली में कंकड़ और कीड़े न हो। चावली की उसल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावली को भिगोना होगा। मैं यहाँ पे एक कप छोटी चावली ले रही हूँ। चावली को दो बार पानी से धोकर गुनगुने पानी में भिगो देना है। चावली भिगोने से इसका पकने का समय कम हो जाता है, जिससे समय और गैस दोनों की बचत होती है। आप बड़ी वाली चावली को भी ले सकते हैं। चावली को पूरी रात भिगोने के लिए रख देना है। चावली पूरी रात भिगने के बाद वापस एक बार अच्छे से धो के लेनी है। प्रेशर कुकर में डालकर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, चावली डूब सके उतना पानी, 3-4 ड्रॉप्स ऑयल डाल के मिक्स कर लेना है। लीड बंद करके गैस ऑन करके चाल विसल होने देनी है। गैस ऑन करके कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल गर्म होने पर कटा हुआ प्याज डालना है और प्याज हल्का सा नरम होने तक भूनना है। तीन से चार टेबलस्पून सूखे नारियल को कद्दूकस करके लिया है, उसे ऐड करेंगे। सुनहरा होने तक भूनेंगे। 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च डाल के अच्छे से भून लेंगे। 1 टीस्पून धनिया के बीज, 1/2 टीस्पून जीरा डाल के 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 से 2 टेबलस्पून कट किया हुआ हरा धनिया अच्छे से धो के ऐड करेंगे। मिक्स करके हल्का सा 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। भुनने के बाद ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। भुनी हुई सभी सामग्री ठंडी होने पर मिक्सर के जार में डालेंगे। 1 मीडियम साइज का टमाटर कट करके ऐड करेंगे। अब पीसकर मुलायम पेस्ट बनाएंगे। पीसने के लिए पानी की जरूरत है, तो 1-2 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे। गैस ऑन करके उसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। हल्का सा तेल गर्म होने पर हमने जो पेस्ट बनाई थी वो डालेंगे। ज्यादा तेल गर्म होने पर पेस्ट डालेंगे तो उसके छींटे उड़ने का डर रहता है। पेस्ट को कलर बदल कर चमकीला होने तक भूनना है। अब हम मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला या किचन किंग मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करके लेना है। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद बॉईल की हुई चावली पानी के साथ ही ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके लेना है। एक उबाल आने पर बॉईल किए हुए आलू को कट करके ऐड करेंगे। आलू डालना ऑप्शनल है। मिक्स करने के बाद 1 ग्लास या आपको कितना पतला चाहिए उसे ध्यान में रखकर हल्का सा गर्म पानी डालेंगे।
गर्म पानी डालने से उसल का कलर चेंज नहीं होता है। टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे। मिक्स कर लेते हैं और लीड बंद करके एक उबल आने देते हैं। चावली की उसल बनके रेडी है। अब हम उसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। गार्निशिंग के लिए बारीक कट किया हुआ धनिया ऐड करेंगे। चावली की उसल आप रोटी, पराठा, पूरी और चावल के साथ खा सकते हैं। आचार स्टाइल चावली की उसल खाने के लिए तैयार है। 7 से 8 लोग आराम से खा सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।